ब्रेक के बाद अखबार में आपका स्वागत है। रुखड़ता के लिए खबर की ओर। बलौदाबाजार की समृद्ध कॉलोनी को इन दिनों किसी की नजर लग गई है। बीते दिनों चोरों ने एक साथ कई घरों को निशाना बना दिया और चोर गिरोह से कॉलोनी वासी इस कदर खौफ में है कि जरा सी भी आहट सुनकर पूरी कॉलोनी की नींद खुल जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। पर लगी चोरों की नजर, चोरों की दहशत से कांपे रहवासी। एक ही रात में कई घरों में सहद मारी, पुलिस की नींद उड़ाने वाली वार्ता। बलौदा बाजार कोतवाली इलाके के समृद्धि कॉलोनी पर चोरों की नजर शायद जम गई है। यही वजह है कि समृद्धि कॉलोनी में रहने वाले लोगों के दिल में इन दिनों चोरों का खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस कॉलोनी में बीती रात चोरों ने एक साथ दो मकानों पर थाबा बोला, जिसमें एक घर में सेंध लगाने में चोर कामयाब हो गए, लेकिन दूसरे घर में दाखिल होने से पहले ही घर के अंदर सो रहे लोगों की नींद खुल गई और चोरी की वारदात होते होते नाकाम हो गई। राहुल साहू जो अमृता में सिविल सेक्शन काम करता है, उसके बताए अनुसार रात में अपने कल से अपने पत्नी छोड़ने गया था घर। घर से वापस आया तो आज सुबह देखा कि ताला टूटा हुआ। अंदर जाकर देखा तो नीचे का लगभग करीब 50-55 हज़ार एक था। उसकी कोई अज्ञात चोर सामने दरवाजा तोड़ ताला तोड़ता चोरी कर ले गए हैं। ऊपर का जो सोलह चालू था वो सुरक्षित होता है और एक पैतरा है डॉक्टर पैतरा, उसके यहाँ ताला हटी था वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ वो लोग उपस्थित पूछता नहीं थी। दरअसल बीती रात जब समृद्धि कॉलोनी के लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब किसी को शायद ही अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि एक साथ एक चोर गिरोह उनकी समृद्धि छीनने आ रहा है। चोरों ने सबसे पहले कॉलोनी के राहुल साहू के घर को निशाना बनाया। उस वक्त साहू परिवार जबलपुर गया हुआ था। जब सुबह परिवार लौटा तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद जेवरात और 55 हज़ार की नकदी की चोरी का पता चला। अभी तो पूरा कैश देखो भी 50-55 हज़ार का कैश तो नहीं मिल रहा है और छोटा मोटा सोने का आइटम भी हो सकता है इसमें, तो वो अभी और चेक करना पड़ेगा। साहब लोग आए जो पुलिस वाले, तो उनके साथ में देखते हैं। कब से गए थे आप बाहर? मैं शनिवार शाम को गया था। अभी किसी को जानकारी नहीं क्या आप? नहीं नहीं, घर में जानकारी किसी को नहीं थी। दूध वाला भी बंद था। भाई भी अभी जो है 4-5 दिन से रसी नहीं आई। यहाँ पे कॉलोनी में गार्ड वगैरह की व्यवस्था है? उसके बाद गार्ड वार्ड तो है, वो चक्कर लगाते, लेकिन वही बोला कि सर दरवाजा लगा हुआ पाए थे, हम देखते हैं क्या अंदर कोई हो तो नहीं जान पाए। राहुल के घर को निशाना बनाने के बाद चोर गिरोह ने अगला निशाना कॉलोनी के डॉक्टर पैकरा के घर को बनाया, लेकिन गनीमत ये रही कि परिवार के लोगों की नींद खुल गई और चोर शोर मचाने पर भाग खड़े हुए। जब परिवार के लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो सिर्फ दरवाजे का कुंदा टूटा हुआ था, बाकी किसी भी चीज पर चोर हाथ साफ नहीं कर पाए थे। ये था, मैं जो 4:15 बजे जब उठा तो मतलब गेट खुला हुआ था, लाइट हल्का सा आ रही थी उसमें से, तो मैं जैसे ही टच किया दरवाजा खुल गया। मेरे को लगा कि मतलब ताला टूटा हुआ है, तो फिर एक और दरवाजा जो डबल दरवाजा है उसको लगा करके मैं कुछ देर तक मतलब देखा इधर उधर कहीं कोई है ऐसा करके, तो कुछ भी मतलब नहीं दिखा। और मुझे मतलब आभास हुआ, डर महसूस हुआ कि ताला टूटा हुआ है। इसके पूर्व में भी इस कॉलोनी में चोरी? कॉलोनी में मतलब ताला टूटा हुआ था, उसका मतलब सूचना दिए थे थाना में, अभी तक उसमें कोई ताला नहीं हुआ। चोरी की इन घटनाओं से कॉलोनी वासी दहशत में है। लोगों ने बताया है कि यह सब पास ही स्थित शराब भट्टी के कारण हो रहा है, जहां अपराधी किस्म के लोग नशे की हालत में चलते चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यहां पे इसके पूर्व में भी 2 बार चोरी की घटना हो चुकी है। यहां पे एक मजिस्ट्रेट मैडम रहती है, गुप्ता मैडम, उनके यहाँ रात के 2 बजे कुछ लोग शराब पी के ऊपर चले गए थे और पीछे में एक चोरी की घटना और हुई थी। ये सारा कुछ वारदात यहाँ पे शराब भट्टी होने की वजह से और चकना सेंटर जो यहाँ से वहाँ तक जो खुले हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पे अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और हम कॉलोनी वासी नगरवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं उसका तो कोई पता अभी तक चल नहीं पाया। पुलिस ने चोर गिरोह की तलाश में टीम बनाकर तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है, जबकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हवालात के लिए बलौदाबाजार से अरविंद की रिपोर्ट।